विदिशा जिले के अंतर्गत आने वाली लटेरी तहसील में लटेरी वन विभाग के उत्तर रेंज ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले शिकारी को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की इस कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। वन विभाग के द्वारा यह कार्रवाई लटेरी उत्तर रेंज के अंतर्गत आने वाले बरखेड़ा बीट में की गई है। संबंध में वन विभाग SDO सौरभ कवरा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुखबिरी की सूचना पर वन विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में राष्ट्रीय पक्षी मोर का परिवहन करते हुए दो आरोपी इदरीश निवासी वास्तु एवं नवेद निवासी मदनपुर को एक मृत मोर और चाकू सहित पकड़ा गया है और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल रात्रि को करीब लगभग मुखबिर द्वारा 9:30 बजे सूचना मिली कि अपराधी जो हैं मोर का शिकार करते हुए जंगल से गुजर रहे हैं। तो हमारे परिक्षेत्र अधिकारी मुकेश किन द्वारा दल गठित किया गया और उन पे तुरंत कार्रवाई की गई, जिसके तो ये बीट बरखेड़ा से हमारे द्वारा मोर अपराधियों के साथ में मोरों का परिवहन किया जा रहा था, मृत मोर का, उसके साथ में चाकू और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। क्या धाराओं में मामला है? इसको वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के 2, 9, 51 और 50 इनके तहत और 39 इसके तहत इन पर आरोपी हैं। और क्या इसमें इनमें लगभग दो आरोपी हैं। इसमें एक का नाम इदरीस है और एक का नाम नावेद है। जो इदरीस है वो मदनपुर गांव का है और इदरीस वास्तु का है और जो नावेद है वो मदनपुर का है। मामले में कोई वाहन भी जब्त हुआ है? जी, एक मोटरसाइकिल जब्त हुई है। सर, ये शिकारी जो है बेखौफ हथियारों सहित घूमते रहते हैं जी, लेकिन वन विभाग क्या इस पर कोई गश्त वगैरह नहीं की जाती? हमारे द्वारा नियमित गश्ती की जा रही है और इसके आधार पर हमारे द्वारा एक तो वनों में जो अवैध कटाई हो रही है उस पर भी निरंतर नियंत्रण किया जा रहा है। साथ में कल जब हमारे को जैसी खबर मिली कि शिकार हुआ है मोर का, तो हमारे द्वारा तुरंत दल बनाकर कार्रवाई की गई। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।